YouTube चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, तो चलिए सीखते हैं। पहला है डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है गायब होना या विलुप्त हो जाना या हमेशा के लिए गायब हो जाना, ठीक है। डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त होना या गायब होना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत समय पहले डायनासोर गायब हो गए। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले डायनासोर डाइड आउट, गायब हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रांच आउट। ब्रांच आउट का क्या मतलब होता है? ब्रांच आउट का मतलब होता है विस्तार होना या फैलना, ठीक है, फैलना या विस्तार होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसकी कंपनी आगे बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है मतलब क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक है, विस्तार हो रही है। इंग्लिश होगा, इंग्लिश से ट्रांसलेशन होगा हिज कंपनी इज ब्रांचिंग आउट, ठीक है, हिज कंपनी इज ब्रांचिंग आउट। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे और चलते हैं। हिट ऑन या हिट अपॉन, ठीक है। हिट ऑन या हिट अपॉन का मतलब होता है अचानक से कुछ याद आना, ठीक है, अचानक से कुछ भी हिट कर जाना, मतलब दिमाग में हिट कर जाना या कुछ याद आना, हिट ऑन या हिट अपॉन होता है, ठीक है। ऑन की जगह पे अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे उसकी याद आई, हिज मेमोरीज हिट ऑन या हिट अपॉन मी, ठीक है। अब यहाँ पे हिट का फर्स्ट फॉर्म हिट होता है, हिट का सेकंड फॉर्म भी हिट होता है, थर्ड फॉर्म भी हिट ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हिज मेमोरीज हिट ऑन या हिट अपॉन मी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये फ्रेजल वर्ब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक।